please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और उनके साथ नितिन गडकरी भी पहुंचे हुए हैं। और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का पहला चरण पूरा हो चुका है और उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधे प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार था और इसके बाद ये पहुंच चुके हैं और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली नोएडा डीएनडी पर और ये प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का पहला चरण पूरा हो चुका है और ये प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। और इसी के साथ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी होना है और जो दिल्ली की जनता के लिए किसी सौगात से कम नहीं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। नितिन गडकरी उनके साथ लगातार मौजूद हैं और इसके बाद वो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। और इनके साथ ही बीजेपी सांसद महेश गिरी भी इनके साथ मौजूद हैं और नितिन गडकरी को कुछ कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली और यूपी की जनता के लिए बेहद ही अहम दिन, और प्रधानमंत्री मोदी और इस वक्त कार में सवार होते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कार में सवार हुए और इसके बाद इनका काफिला आगे बढ़ेगा और कुछ ही देर बाद पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो 11,000 करोड़ की लागत से बना है उसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। 18 महीने में इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है जो दिल्ली के लिए खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी में सवार और सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ और ये काफिला उनका चल पड़ा है और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर चुके हैं और अब कुछ ही देर में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंच जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड चारों तरफ तैनात हैं और प्रधानमंत्री मोदी बीच में गाड़ी में खड़े हुए हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है ये दिल्ली और यूपी की जनता के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का लाइव रोड शो, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक्सप्रेसवे का पहला चरण पूरा हो चुका है और 3 चरणों में ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है इसको तैयार होना है, जिसका पहला चरण अभी पूरा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी यूपी गेट से रोड शो करते हुए तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सुरक्षा बल तैनात हैं चारों तरफ और दूसरी गाड़ी में नितिन गडकरी भी मौजूद हैं, हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए। अद्भुत तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी काले रंग की गाड़ी में सवार और सफेद रंग के लिबास में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। हालांकि इस वक्त गर्मी बहुत है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी से बाहर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और यूपी गेट तक प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो होगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनता उत्सुकता से खड़ी हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में और आखिरकार मोदी यहां पहुंचे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गर्मी के होने के बावजूद जनता यहां काफी देर से खड़ी थी, कई घंटों से खड़ी थी और प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग यहां पर खड़े थे और अब प्रधानमंत्री मोदी ने उनको निराश नहीं किया और गाड़ी से खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर चुके हैं और अब पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने में बस थोड़ी ही देर बाकी है। और ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला चल पड़ा है, पीछे आप देख सकते हैं उनकी सिक्योरिटी में तमाम गाड़ियां लगी हुई हैं और चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको घेरा हुआ है ताकि कोई अनहोनी ना हो। और प्रधानमंत्री मोदी बेहद ही इत्मीनान से हाथ को उठाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए खाली गाड़ी में खाली रोड पर प्रधानमंत्री मोदी, अद्भुत तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। बहुत ही कम ऐसा नजारा होता है जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से
खुली गाड़ी में सवार होकर निकलते हैं और ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज यूपी और दिल्ली की जनता के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोड के चारों तरफ जनता खड़ी हुई है जो बेहद ही उत्सुकता से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रही थी और हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। देखिए एक महिला किस तरह से सुरक्षा बल को तोड़ते हुए पहुंच चुकी, लेकिन पुलिस बल ने उसको रोक लिया और वापस भेज दिया। और लोगों में उस खासी उत्सुकता देखने को मिलती है जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से रोड शो करते हैं। इससे पहले एक महिला प्रधानमंत्री मोदी के स्टेज पर पहुंच गई थी और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला सुरक्षा बल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची, लेकिन पुलिस बल वहां पर मौके पर तैनात था जिसको समय से पीछे हटा दिया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बेहद ही खूबसूरत नजारा। पैंतालीस डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त और इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी में अंदर ना बैठकर वहां पर ऊपर खड़े हुए हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जनता ने भी निराशा नहीं दिखाई है और पूरी जोश और खरोश के साथ वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर कई घंटों से गर्मी में खड़े थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, उद्घाटन किया और जनता को निराश ना करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोड शो में नितिन गडकरी भी शामिल है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद हैं। एक गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी सवार हैं तो दूसरी में नितिन गडकरी सवार हैं। अब से कुछ ही देर में 11,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और ये सड़क सोनीपत से कुंडली से शुरू होकर पलवल तक जाएगी और ये देश का पहला स्मार्ट और ग्रीन एक्सप्रेसवे होगा जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है और इसको बनाने में पूरा खर्च 11,000 करोड़ का आया है। महज 18 महीने में इसको तैयार किया गया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का लाइव रोड शो।